डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि बेसिकली शुगर होती क्यों है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। दोस्तों, ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो नियंत्रित होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। उसी तरीके से दोस्तों एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। अब बेसिकली ये जो पैंक्रियास होती है, इसका काम क्या होता है? दोस्तों, पैंक्रियास जो कि एक ग्लैंड होती है जिसका काम होता है कि बॉडी में इंसुलिन का स्त्रावण करना या इंसुलिन सिक्रीशन करना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो इंसुलिन जो होता है वो एक गेटवे होता है ताकि जो शुगर आप ले रहे हैं किसी भी खाद्य पदार्थ के माध्यम से, किसी भी फूड इंग्रेडिएंट के माध्यम से, वो आपके बॉडी के हर एक कोशिका में जाए और उनको ऊर्जा प्रदान करे। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जिनमें कि इंसुलिन का जो स्त्रावण जन्मजात नहीं होता, यानी कि बाय बर्थ दे डोंट हैव सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि उनकी जो पैंक्रिया से या तो होती नहीं है, और अगर होती है तो वो माल फंक्शन होती है या ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो ऐसे लोगों को टाइप 1 डायबिटीज के मरीज या पेशेंट कहा जाता है। अब दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको कि टाइप 1 डायबिटीज है, उनको जन्मजात बाय बर्थ उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में शुगर का मेटाबॉलिज्म हो सके। जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो कि बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं, नेता हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज का शिकार हैं। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज में जन्मजात वहां पर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा शुगर इंटेक करने से, लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडिफिकेशन करने से, ये जो इंसुलिन है उसका सिक्रीशन जन्म से तो होता है लेकिन बाद में इसका सिक्रीशन बंद हो जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और जो पैंक्रियास है वो ठीक तरीके से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करती है। ऐसे पेशेंट्स में जिनको कि जन्म के बाद में, यानी कि बड़े होने के बाद, अब मान करके चलते हैं कि एग्जांपल की एक कोई व्यक्ति है, वो रोज सुबह घर से अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं, और वो ऑफिस में अपने 6 से 8 घंटे बैठ के काम करते हैं। अब दोस्तों वहां पर फूड का इंटेक तो हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति सुबह नाश्ता करता है, नाश्ते में कुछ मीठा या बाकी का जो सामान होता है वो खाने का काम करता है। उसके बाद में लंच होता है, लंच में सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद में डिनर करता है। अब यहां पर दोस्तों जो फूड का इंटेक कंटिन्यू हो रहा है, अब यहां पर शुगर दो तरीके से जाती है। पहला, शुगर जो आप खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं, उनमें भी शुगर की मात्रा तो होती है, जिसको कि आप शायद अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब भी कोई आपको ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला या शुगर से बनी हुई कोई चीजें लेकर के आते हैं तो आप उसको बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको विशेष रूप से शक्कर का या शुगर का जो स्वाद है वो महसूस होता है। अब दोस्तों, ये जो शुगर है इसका जो इनटेक कंटिन्यूसली होता चला जाता है, ये यहां पर प्रॉब्लम खड़ी करती है, और आने वाले समय में दोस्तों जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो यहां पर बंद होने लगता है पैंक्रियास, जो कि एक ग्रंथि है, उसके माध्यम से। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और आने वाले समय में ऐसे लोगों में शुगर की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है, क्योंकि वो शुगर बॉडी की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसके अंदर नहीं जाती है। इसीलिए दोस्तों इंसुलिन के माध्यम से, या जब शुगर होती है टाइप 2 डायबिटीज, वहां पर देखा जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर मान लीजिए वो शुगर आपकी बॉडी की कोशिकाओं में नहीं जाती है, तो शुगर की मात्रा रक्त के अंदर या ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है, और इसीलिए यहां पर ब्लड शुगर देखा जाता है कि आपका ब्लड शुगर फास्टिंग कितना है, पोस्टपेरेंडियल कितना है, खाना खाने के बाद कितना है, और इसी तरीके से दोस्तों आपका HbA1c देखा जाता है कि पिछले 3 महीने में आपके शरीर में जो ब्लड शुगर है उसकी मात्रा कितनी थी। तो दोस्तों ये कुछ मापदंड थे जिसके बारे में हमने समझने की कोशिश की कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है।